बिस्मिल्लाह रहीम। तो आज हम लोग तो ये लाइव चल रहे हैं, दिखाते हैं कमिश्नर कराची ने जो फ्रूट्स के और डेट्स वगैरह के रेट दिए हैं उस हिसाब से क्या रेट चल रहा है अभी। भाई क्या है खरीद सरकार, क्या प्राइस है इसके, क्या प्राइस है इसके डेट्स के? 500 रुपये किलो। 550 रुपये किलो। कौन सी वाली डेट सही है? ये सब कोई भी ले लो 500 रुपये, 550 रुपये किलो। अच्छा ठीक है भाई। कमिश्नर कराची ने क्या रेट तय किया इसके बारे में कुछ पता है आपको? लिस्ट आई नहीं, लिस्ट मेरे पास है, मैं अभी आपको दे देता हूँ। ठीक है, सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? क्या बेच रहे हो स्ट्रॉबेरी, क्या रुपये किलो है? ये 300 या 400। ठीक है हाजी साहब, क्या हाल है, खैरियत से आप? खरबूजा क्या रुपये किलो है? 90 रुपये किलो। कमिश्नर कराची ने कोई लिस्ट वगैरह जारी की इसके बारे में पता है आपको? क्या रेट उन्होंने जारी किया गवर्नमेंट ने, किस रेट पे बेचना है? वजह ये है कि गवर्नमेंट का कोई ताउन है ही नहीं। अच्छा, ना आवाम से ना दुकानदारों से। आप लोगों के पास लिस्टें नहीं, आप लोग माल खरीदते हो लिस्ट के हिसाब से नहीं खरीदते आप लोग माल? लिस्ट के हिसाब से कोई ताउन है, कोई सिस्टम बनाया? लिस्ट आपको आपसे मैं दिया करूँगा, ठीक है? मुर्तजा चैरिटेबल ट्रस्ट आपको डेली की लिस्ट देगी क्या रेट गवर्नमेंट ने तय किया है। अगर फर्ज करो खरबूजा हमें मिला 100 रुपये किलो, हम क्या भाव बेचें आप बताओ? आप ही थोड़ा, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात पहुँचानी चाह रहा हूँ सर कि लिस्ट तो लागू नहीं है, लेकिन लिस्ट उस हिसाब से हो कि आपको क्या भाव मिला। हम देखो जैसे मैं आपसे बहस कर रहा हूँ वैसे आप किसी और से भी तो बहस कर सकते हो ना? आपसे भी करते, हर एक से करते। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें 4000 रुपये मन मिला तो हम 120 रुपये किलो बेच रहे हैं तो वो हमारा हक है, 10-20 रुपये कमाना तो कोई बुरी बात नहीं। अलबत्ता कोई जुल्म या ज्यादती करें उसकी पूछताछ होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी पूछे, अवाम भी पूछे, सब पूछे। सही, बहुत शुक्रिया सरकार। क्या हाल है, खैरियत से आप? केला क्या रुपए दर्जन है? 200-300। ये कौन सा केला? पाकिस्तान। अरे नहीं नहीं, कोई होगा ना, चित्री केला है। कौन सा है? चित्री केला। और वो वाला? दोनों चित्री है। 150 रुपये किलो। 200-300। मीठे माल, मीठे माल। सेठ क्या हाल है? 100 रुपया किलो। क्या रुपये किलो भाई खरबूजा? खरबूजा 100 रुपये किलो भाई। भैया कमिश्नर कराची ने कोई खरबूजे वगैरह का रेट दिया इस बारे में पता है आपको कुछ? अभी खर्चे इतने हैं, पुलिस लेके जा रही है, सब लेके जा रहे हैं। पुलिस लेके जाती है, और कौन लेके जाता है? एमसी है, रोड के खर्चे हैं, कैदियों के। तो मतलब ये 100 रुपये किलो इस वजह से बेचना पड़ रहा है? 80 रुपये किलो तो आ रहा है, पीछे जा रहा है 80 रुपये किलो भाई। मंडी से? मंडी से। भैया स्ट्रॉबेरी क्या रुपए किलो है? 400 रुपये। भाईजान अमरूद क्या रुपए किलो है? 150 रुपये किलो। ये देखिए इस तरह से मतलब कराची के अंदर जिस तरह चल रहा है कि पता ही नहीं है किसी को कि कराची कमिश्नर कराची ने क्या रेट दिया है, क्या रेट नहीं दिया है। अब इनका कहना है कि इनको पीछे मंडी से महंगा आता है, तो मंडी वालों को कौन कंट्रोल करेगा? जाहिर हम आम आवाम है, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो इनको भी नहीं बोल सकते, हम तो खाली दिखा सकते हैं आवाम को कि देखें ये महंगाई हो रही है और महंगाई की वजह क्या है, किस तरह से महंगा बेचा जा रहा है, मुनाफाखोरी हो रही है, मुनाफाखोरी को रोकने वाला कोई नहीं है। हमारा काम है सिर्फ आवाम को दिखाना, बाकी ज़ाहिर कंट्रोल तो गवर्नमेंट खुद ही कर सकती है। कमिश्नर कराची से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इन एरियाज़ का खुद विज़िट करें, देखें कहाँ मुनाफाखोरी हो रही है, किस तरह लोग महंगा बेच रहे हैं और किस वजह से बेच रहे हैं। अब ये आम जो ठेले वाले इनका कहना है हमें पीछे से महंगा आता है, तो हम क्या करें, हम यहाँ महंगा बेचते हैं क्योंकि हमसे पुलिस वाले बत्ता लेके जाते हैं, केएमसी को भी देना पड़ता है और 10 अखराजात होते हैं, इस वजह से ये महंगा बेचने मजबूर है। तो आखिरकार अब इसका कोई हल भी तो होगा ना, और इसका हल होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास, जो कि गवर्नमेंट ही इसका हल निकाल सकती है। अगर गवर्नमेंट इसका हल नहीं निकाल सकती तो फिर आखिरकार इसका हल निकालेगा कौन? अभी हम यहीं पर मौजूद हैं और देखते हैं क्या रेट चल रहा है, चीकू क्या रुपये रेट है, चीकू क्या रुपये किलो पूछता है। और अब मैं नहीं बताऊंगा कि कमिश्नर कराची ने क्या रेट दिया था, अब आप लोग खुद तय करें कि क्या रेट लिखा हुआ है लिस्टों के अंदर और यहाँ पे हमें क्या रेट मौसूल हो रहा है इस पर। दोस्त चीकू क्या रुपए किलो है? 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। 200 रुपए किलो और 300 रुपए किलो। बहुत शुक्रिया। बॉस केले क्या रुपए किलो है? 200-250। आगे 200-250, ठीक है ये भी 200-250। यार इतना महंगा हो गया आज एक दिन में केला। ये देखें भाई ये सेब के रेट लगे हुए 200 रुपये किलो, ये 180 रुपये किलो। आओ भाई ज़रा आओ, बॉस क्या हाल है? ये था 100 रुपये किलो है कलिंगर? 100 रुपये किलो।
क्या रे बस 150 रुपये किलो 200 रुपये किलो से माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये अब आप लोग देखें कि किस तरह से आज पहला रमज़ान है, पहला रोज़ा है आज, और आज से ये पत्तागोभी स्टार्ट हो गई है और फ़ौरन से लोग नन्हे बन जाते हैं। तो भाई हमें तो पीछे से नंगा आता है, ये कल ही पैदा हुआ है और आज यहाँ पे आ गए ठेला लेके बेचने के लिए, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता, पता नहीं क्या हकीकत है क्या नहीं है। बहरहाल कमिश्नर कराची से हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आवाम पे थोड़ा सा रहम करें, रमज़ान का महीना है, लोग रोज़दार होते हैं, फ्रूट खाना चाहते हैं, बच्चे ज़िद करते हैं, बोलते हैं पापा पता नहीं कितने दस्तरखान खाली पड़े हुए होंगे इसी वजह से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये देखें और माशाल्लाह आवाम भी काफ़ी है ख़रीदने वाली, आवाम कोई मेरे ख्याल से कोई कमी तो है नहीं। दो सेब 100 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो। दोस्त केला 100 रुपये किलो है, 200 रुपये। कोई पूछने वाला नहीं है इस कराची के ऊपर, लावारिस छोड़ा हुआ, सिर्फ लिस्टें जारी कर दी है कि इस रेट पे ख़रीदना है, इस रेट पे नहीं ख़रीदना। अरे भाई लिस्टें जारी कर दी, इस पर अमल दरामद कौन करेगा? ज़ाहिर है गवर्नमेंट इस पर अमल दरामद कर सकती है, हम ये आप तो नहीं कर सकते, आम आवाम तो इनसे नहीं लड़ सकती बैठ कर, और अगर लड़ने भी जाए तो कौन लड़ेगा? भाई 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो। देखे ना ये लोग हैं, इनसे कौन लड़ेगा, इनसे क्या मैं बहस करूँगा खड़ा होकर, या आम इसे खड़ी होकर बहस करेगी? नहीं भाई ये रेट नहीं, ये रेट है। अब ये तो साफ बोलते थे हमें पीछे से लहंगा आता, तो पीछे वालों कंट्रोल कौन करेगा भाई? ज़ाहिर गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम, सारा साल तो हरामखोरी करती है, कम से कम रमज़ान के अंदर ही कोई काम कर ले। बहुत शुक्रिया।